দেখি তাকাও আমার দিকে তাকাও দেখি ও মা হাই আমাকে আগে हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरी व्लॉग। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है थोड़ा डिफरेंट पास्ता, बिकॉज बहुत दिनों से मेरे घर पे पास्ता पड़ा था और सभी लोग बोल रहे थे कि उसको मैं जल्दी जल्दी यूज़ कर लूँ, बिकॉज इसका एक टाइम पीरियड होता है ना। अभी मैंने सोचा कि थोड़ा बना के क्या फ़ायदा होगा, मैं सभी के लिए बना देती हूँ, सिर्फ मेरे फादर इन लॉ है वो ही नहीं खाएंगे। तो ये पास्ता जो है मैंने पूरा बनाया और लास्ट तक इसको जब मिक्स करने के टाइम आया तब मैंने अनुषा के पापा को बुला लिया था, बिकॉज मुझे ना इसे मिक्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसी वजह से मैंने अनुषा के पापा को बुला लिया था। तो उन्होंने कहा घर पर मेयोनीज भी है उसे डाल दो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल उनके कहने के बाद मैं यहाँ पे मेयोनीज डाली हूँ, देख सकते हैं। सो उसके बाद ब्रेकफास्ट करके अनुषा को नहला के अनुषा को तैयार करके मैं स्कूल पे जा रही हूँ, बिकॉज बहुत दिन हो चुके हैं उसको स्कूल गए हुए और धूप के वजह से मैं ज़्यादा स्कूल पे नहीं भेज रही हूँ। और मुझे तो पता चला है बहुत सारे स्कूल जो है वो बंद भी हो चुके हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक ये वेदर ठीक नहीं हो जाता तब तक। फ़िलहाल मैं आज सोच रही थी कि इसको नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन वो ज़्यादा ही तंग करती है घर पे, इसी वजह से मैं चाहती हूँ थोड़ा एक घंटे अगर वो वहाँ पे रुक के आए तो मेरा जो भी काम है मैं कर लूँगी। एक घंटे ही वो रहती है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं रहती। तो फ़िलहाल अभी अनुषा को शू पहना के मैं लेके जा रही हूँ और आज आप लोगों को दिखाऊँगी हमारे घर पर एक नया मेहमान आए हैं, कौन तो वो तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ, सुबह सुबह मैं उसको लेके आई हूँ, उनको लेके आई हूँ। तो एक बार थोड़ा मेरा ब्लॉग कंटिन्यू हो जाए आपको देखने को मिल जाएगा कौन है। फिलहाल अभी अनुषा को लेके मैं जा रही हूँ स्कूल और वहाँ पर जाके आपको दिखाती हूँ। कोथा जाते हो না কোথায় যাচ্ছ কোথায় তুমি স্কুলে গিয়ে কি করবে খেলা করবে ঠিক আছে কাঁদবে না তো চলো 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 ठीक है। तो सच बताओ सुबह सुबह काम करने के बाद अनुषा को तैयार करने के बाद मैं जब स्कूल की तरफ आई हूँ तो मुझे दूर से दिखने को मिला है स्कूल बंद है और सेम सिचुएशन धूप गर्मी सब के वजह से स्कूल बंद है, नोटिस लिखा हुआ है, इसके वजह से मैं फिर से घर पे आ चुकी हूँ। सो अभी घर पे जाके अनुषा को मेरी फादर इन लॉ के पास रख के मैं मेरा जो काम है वो कम्प्लीट करूँगी। सो बहुत सारे बर्तन थे जो धुलने के लिए थे, अभी मैं धो के रख रही हूँ और पानी ना बहुत कम स्पीड में आ रहा है। नॉर्मली तो इसका जो इस नल का जो पानी है ना स्पीड में ही आता है, पता नहीं कुछ दिनों से 2-3 दिनों से ऐसे ही पानी आ रहा है। आई नो सभी लोग पानी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पे, इसी वजह से शायद। और अभी मेरा ऑलरेडी बर्तन जो है वो धोना हो चुका है और दोपहर का लंच के लिए मैं ही तैयारी कर रही हूँ, बिकॉज मेरी जो मदर इन लॉ है वो थोड़ा काम के लिए बाहर गए हैं तो आज दोपहर का लंच मैं ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे बन रहा है खट्टा दाल, बंगाली में बोलते हैं टॉक दाल, आम का दाल बनाएंगे और उसके साथ मैंने ऑलरेडी चावल बिठा दिया है दोपहर के लिए। तो ये जो दाल है ना मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप के बना रही हूँ, आम के साथ जो दाल है और हल्दी मैं पहले से ही बॉईल करके रखूँगी, उसके बाद जो भी तड़का वगैरह लगाना है वो बाद में लगाऊँगी। तो चलिए देखते रहिए। सो राइस मेरा बनाना हो चुका है, अभी मैंने पैन में सरसों के तेल, सरसों और सूखी मिर्च डाल दिया है तड़का के लिए और खट्टे दाल में ना ये तड़का बहुत अच्छा लगता है और बॉयल मैंने पहले करके रखा था तो जल्दी बन जाएगा, बस नमक देके इसको मैं निकाल दूँगी। और उसी टाइम पे मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी आ चुकी है, अनुषा फिलहाल ऊपर से उनको देख रही है।
सो आज दोपहर के लिए बन रहा है आलू पोस्तो। राइस और दाल तो हो चुका है पहले ही, और आलू पोस्तो ना मुझे वेज बहुत पसंद है विदाउट प्याज। यहाँ पे सभी लोग प्याज का खाते हैं, सो इसी वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। आज मेरा फर्स्ट टाइम है विदाउट प्याज मैं बना रही हूँ, और ये भी खा के शायद सभी लोग को अच्छा ही लगेगा। एक्चुअली अनुषा पहले भी नहा चुकी है, बट गर्मी के वजह से वो दो दो बार नहा रही है। सो मैंने कहा था सुबह व्लॉगिंग स्टार्ट होने के पहले कि आज हमारे घर पे नए मेहमान आए हैं, तो ये रहे हमारे नए मेहमान। और आज मैं सुबह ही उनको लेके आई हूँ, और ये मेरे मम्मी के घर पे रहते हैं और आज हमारे घर पे हैं। आई थिंक 12 या 14 दिन तक हमारे घर पे ही रहेंगे, तो कोशिश करूँगी अच्छे सेवा देने की। फ़िलहाल दोनों को मैंने नहला दिया है, और हमारे घर के जो कान्हा जी है उनसे थोड़ा सा बड़े ज़रूर है, लेकिन दोनों ही बड़े प्यारे हैं। सो हमारे घर पे आने का रीज़न ये है इनका कि हमारे मम्मी के घर पे, मेरे पापा के घर पे हमारे एक रिलेटिव का देहांत हो गया है कल ही, और इसी वजह से मैं इनको लेके आई हूँ हमारे घर पे। बिकॉज़ इन टाइम पे ना हमारे घर पे पूजा नहीं करते हैं, बंगाली में पूजा नहीं करते हैं 12 या 14 दिनों तक, तो इसकी वजह से 14 दिनों तक हमारे घर पे ही रहेंगे, होप सो। पता नहीं 12 दिनों तक भी रह सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी उनको अच्छे से अच्छे सेवा देने की, और बहुत अच्छा लग रहा है दोनों एक साथ बैठेंगे हमारे मंदिर पे। तो कान्हा जी तो छोटे होते हैं, इनको खाना नहीं देना मुझे नहीं लगता ठीक होगा, इसके वजह से मैं लेके आई हूँ इनको। और आज मैं इनके लिए मैं कपड़े बना रही हूँ। फ़िलहाल सच बताऊँ जो भी सुबह मैं लेके आई थी इनके साइज़ के कपड़े, बिकॉज़ हमारे घर पे थोड़ा सा छोटा साइज़ है तो कपड़े फिट नहीं होंगे इनको, तो जो भी कपड़े थे ना वो कॉटन के नहीं थे, और इस टाइम पे इतना ज़्यादा गर्मी है मुझे लगता है कॉटन का कपड़ा पहनना नहीं ठीक होगा। तो मेरे पास एक कपड़ा था, उससे मैंने थोड़ा बहुत उनको कपड़ा बना के दिया है, और शायद कल या परसों जाके इनके लिए मैं कपड़े ज़रूर लेके आऊँगी। बिकॉज़ इस टाइम पे ना मुझे नहीं लगता कि दूसरे फैब्रिक का कपड़े पहनाना ठीक होगा, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोग कोशिश करते हैं कंफर्टेबल कपड़े पहने इस टाइम पे, थोड़ा सा हल्का ढीला या खुली खुली हुए जो भी कपड़े हैं वो पहनने की कोशिश करते हैं। अनुषा को तो मैं पहनाती ही नहीं हूँ ज़्यादातर टाइम पे, सिर्फ पैंट पहना के छोड़ देती हूँ, बट क्या ही करें गर्मी की वजह से। तो अभी मैं कोशिश करूँगी 2-3 दिनों में उनके लिए भी कपड़े लेके आऊँ। सो बातें करते करते मेरा ऑलमोस्ट पूजा हो चुका है, बस अभी शिव जी को पानी दे रही थी, उसके बाद मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे छत से मेरे टेरेस पे भी काफ़ी सारे फूल हुए थे वो ही ला के दिया के पूजा देने के लिए। मैं ऑलरेडी सुबह फूल लेके आई थी, और ये हमारे छत पे जो खिलते हैं हर रोज़, तो उनको भी मैं भगवान जी को अर्पण कर रही हूँ। सो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट पूजा देना हो चुका है ये देखिए, और आप बताइएगा हमारा नए मेहमान कैसा लग रहा है आप सभी को। तो शाम के टाइम पे अभी सभी लोग साबू खाएंगे, बिकॉज़ आज बहुत दिनों से ये साबू जो है हमारे घर पे पड़ा था, और सभी का मन था कि शाम के टाइम पे खा लेंगे। अभी अनुषा के पापा को मैं सर्व कर रही हूँ, उसके बाद सभी लोग एक एक करके खाएंगे। सो गर्मी के टाइम पे ना ये सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग काम लगता है, बिकॉज़ इतने सारे पानी का बॉटल भरना पड़ता है ना, क्या ही करें पानी सभी लोग ज़्यादा पीते हैं। हाँ पीना तो ज़रूरी है इस टाइम पे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ही पानी पिए, लेकिन ये भरना ना थोड़ा टफ हो जाता है, बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं ना, अब क्या ही कर सकते हैं पानी सभी लोग ज़्यादा पी रहे हैं। तो अभी सब कुछ करने के बाद घर के हम लोग जा रहे हैं रात का डिनर ले आने के लिए। Thank you.
তোমাকে জামাটা কে পরিয়েছে? হাত দেয় না, লিফটে হাত দেয় না। হ্যাঁ, জামাটা কে পরি, হাতটা দেয় না, বারণ করেছি কিন্তু লিফটে হাত দেয় না। তোমাকে জামাটা কে পরিয়েছে? বোতাম খোলা কে পরিয়েছে? কাকাই পরিয়েছে জামা। আমরা কোথায় যাচ্ছি বলো? বিরিয়ানি আনতে। তাই তো, তুমি বিরিয়ানি খাবে রাত্রিবেলা? ঠিক আছে। ঠিক করে দিই, আমি খুলছি না তো। আবার এটা ধরলে কিন্তু খুলে যাবে। एक्चुअली गर्मी इतना ही ज़्यादा है, तो आज अनुषा के चाचू ने कहा रात का डिनर घर पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से मंगवा लूँगा। तो सभी लोग चाहते थे बिरयानी खाने के लिए, तो इसी वजह से बिरयानी लेने के लिए भी आए हैं। और एकदम घर के पास में ही स्टोर है, तो वहीं से आए हैं लेने के लिए। सच बताओ, किचन में जाने का मन ही नहीं करता है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है वहाँ का। जो अगर किचन का जो भी हीट होता है ना बॉडी तक पहुँचे तो बहुत इरिटेटिंग फील होता है। क्या ही कर सकते हैं, खाना तो बनाना पड़ता है, लेकिन सुबह का हो जाता है फिर भी, लेकिन शाम के टाइम पे ना एकदम मन नहीं करता। लेकिन आज थोड़ा सा छुट्टी मिला है हम लोग, हम सभी को, आई मीन मुझे, मेरी मदर इन लॉ को, तो घर पे जाके फिर से आप लोगों से मिलती हूँ। सो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और अनुषा के चाचू गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए। और जब मेरे पास आके पहुँचे तो मैंने देखा ये आइसक्रीम नहीं था, ये जेम्स बॉल था। सो घर पे जाके फिर से मैं ओपन कर रही हूँ, ऑलरेडी घर पे पहुँच चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो जब मैंने इसको खोला तब मैंने देखा ये जेम्स का नहीं है, शायद दूसरा कुछ ब्रांड का है, जिसके साथ ये छोटे छोटे गाड़ी मिला है इसको। सो अनुषा का जो डिनर है वो हो चुका है, अभी हम लोग डिनर करेंगे अनुषा को सुलाने के बाद। और अभी फिलहाल मैं उसको ब्रश करवाऊंगी। और सुबह से ऐसे ही वो घूम रही है, इतना ज़्यादा गर्मी है ना तो कपड़े पहनने की वो उसका मूड ही नहीं है, तो क्या ही कर सकते। तो मैं भी बोल रही हूँ कि अभी छोटी है तो ऐसे ही घूम जाए, उसके बाद तो शायद हमेशा उसको पैंट पहना के, कपड़े पहना के रखना पड़ेगा। सो घर पे आते टाइम मैं अनुषा के लिए ब्रश लेके आई थी, ये न्यू ब्रश, 3 शायद कॉम्बो पैक में था, बहुत ही प्यारा है, ये देख सकते हैं कार्टून में, उसको बहुत पसंद आया था। सो सभी का डिनर वगैरह होने के बाद अभी मैं कोशिश कर रही हूँ अनुषा सो जाए, बिकॉज सुबह से ना वो 9 बजे उठी थी और अभी तक 10:30-11 बजने वाले हैं, एक बार भी वो नहीं सोई है। मुझे पता नहीं इसका एनर्जी कहाँ से इतना आता है, बट हम लोग तो सोचते हैं अगर जो भी काम है कंप्लीट करके थोड़ा बहुत सो ले, रेस्ट कर ले, बट इसका जो एनर्जी है ना उसका कोई जवाब ही नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल उसको मैं सुलाऊंगी, उसके बाद मैं और मेरी जो मदर इन लॉ है वो डिनर करेंगे। सभी का डिनर ऑलरेडी हो चुका है, अनुषा का, अनुषा के पापा का, दादू का, चाचू का, सभी का हो चुका है, बस हम दोनों बाकी हैं। तो पहले अनुषा को मैं सुला दूँ, उसके बाद हम लोग आराम से डिनर करेंगे, बिकॉज सुबह से वो जगी है और बहुत अभी वो इरिटेट फील कर रही है, बार बार बोल रही है मुझे सोना है सोना है। तो यहाँ पे अनुषा, अनुषा के पापा दोनों ही सो चुके हैं, मैं कर रही हूँ डिनर। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल,
और हमारा नए मेहमान कैसा लगा है बताना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू।